नमस्कार साथियों, जिंदाबाद साथियों। आज जवाबदेही यात्रा भीलवाड़ा पहुंची है। भीलवाड़ा के अम्बेडकर सर्कल और पुलिस कंट्रोल रूम के सामने यात्रा टेरी हुई है। और ये पूरा जो परिसर देख रहे हैं आप, ये पूरे धर्मशाला का परिसर है। और क्या नाम है धर्मशाला का? धर्मशाला का नाम है गजाधर मान सिंह का धर्मशाला। हाँ, तो ये धर्मशाला है और इस तरह रेलवे स्टेशन के पास ही है। पुलिस कंट्रोल रूम और रेलवे स्टेशन के बीच में ये धर्मशाला है भीलवाड़ा में। तो आज हम लोग भीलवाड़ा आए हैं, हम लोग चित्तौड़ थे और आज हम लोग यहाँ मानसिंह का गजाधर मानसिंह का धर्मशाला रेलवे स्टेशन के पास में है, तो वहाँ पर आज हम लोग ठहरे हुए हैं। आज अभी अंबेडकर सर्किल जो है, ये पास में ही अंबेडकर सर्किल है। अंबेडकर सर्किल से सूचना केंद्र, हाँ दिखा सकते हैं, अंबेडकर सर्किल है। पहला कार्यक्रम होगा अंबेडकर सर्किल का। अंबेडकर सर्किल पर अंबेडकर जी को माल्यार्पण करने के बाद और वहाँ पर कुछ नारे और तख्तियों के साथ, गीतों के साथ अंबेडकर सर्किल पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोग जाएंगे सूचना केंद्र, और सूचना केंद्र से वापस हम उस वाले रास्ते आएंगे जो कलेक्ट्री जाता है, और कलेक्ट्री जो भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट है वहाँ जाएंगे। वहाँ पर एक छोटी सभा करेंगे और रैली के रूप में वहाँ जाएंगे और जवाबदेही के नारे लगाते हुए जाएंगे और जवाबदेही कानून की मांग करेंगे। और जो ओमिक्रॉन बीमारी चल रही है, जो कोविड-19 भी था, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएंगे, मास्क के साथ जाएंगे। और हमारे जो फर्स्ट सेकेंड दोनों डोज लग चुके हैं और तीसरा अगर सरकार तैयार करती है तो वो भी हम लगवा करके सरकारी गाइडलाइन के आधार पर पूरे नियम और कानून का अनुपालना करते हुए हम लोग जाएंगे। और हमारी मांग है, उस मांग में हम सभी लोगों का समर्थन लेंगे। ये मांग हमारी है, यानी हम सबकी है, पूरी जनता की है, राजस्थान की जनता के साथ साथ पूरे देश, भारत देश की जनता की ये मांग है कि जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका है और जो हमारी व्यवस्थापिका है, उन सब में जवाबदेही तय हो। हमारे नेता की भी जवाबदेही तय हो, जो हमारे MLA, MP, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उन सब की भी जवाबदेही तय हो। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे पंचायत से लेके ग्राम सचिव, BDO, SDM, कलेक्टर सचिव, मुख्य सचिव, उन सब की भी जवाबदेही तय हो, उसको लेकर के हम लोग 20 दिसंबर को जयपुर से निकले हैं। और जयपुर से अजमेर से राजसमंद से पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और आज हम लोग भीलवाड़ा में आए हैं। तो ये यात्रा जो है वो आम जनता का समर्थन ले रही है कि जवाबदेही तय हो और जवाबदेही को आम जनता समझे कि जवाबदेही किसकी क्या है, और उस जवाबदेही को समझ कर जवाबदेही यात्रा को समर्थन करे, सहयोग करे और जवाबदेही आंदोलन में जुड़ने के लिए हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं कि जवाबदेही यात्रा में हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। धन्यवाद। परिचय भी दे दे अपना पूरा संगठन का। मेरा नाम नौरतमल है और मैं समाज कार्य अनुसंधान केंद्र तिलोनिया, जो बैरपुर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, समाज कार्य अनुसंधान केंद्र तिलोनिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर का रहने वाला हूँ। तो साथियों, नवरतन जी ने आपको सारी बात बता दी है किस प्रकार से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज यात्रा का 16वां दिन है और ये यात्रा भीलवाड़ा में है। आज कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए कम लोग आएंगे, लेकिन शिकायतकर्ता काफ़ी लोग आएंगे। स्थानीय शिकायतें, गाँव शिकायतें हमने जगह जगह से ली है, और बाकी जो यहाँ पर स्थानीय जो संगठन है, समूह हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट है, उन सबको बोला है, शाम को बात करके बताया भी है और जानकारी भी दी है कि जितने भी शिकायतें हैं वो शिकायतें ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि उन शिकायतों को जवाबदेही यात्रा इवेंट जो है उस पे वो दर्ज हो, संपर्क पोर्टल पे
और उसका ट्रैकिंग भी हो और उसका रिसीव्ट मिले और उसका कलेक्टर फॉलोअप करे और जवाबदेही यात्रा को समय समय पर उसका जब उसको जवाबदेही बनाया जा रहा है कि जो संपर्क पोर्टल पर शिकायतें चढ़ रही है उनका ट्रैकिंग हो, फॉलोअप हो और संबंधित शिकायतकर्ता को फोन जाए, मैसेज भी जाए और लिखित में उसके पास चिट्ठी जाए कि उसने जो शिकायत की उस शिकायत का उसके पास जवाब जाए, ये मांग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवतन जी का। आइए इस जवाबदेही का आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और इस जवाबदेही कानून को पास कराने में हर एक सहयोग करते हैं, आप भी बने रहें। अगर आपके क्षेत्र में निकलने वाली है यात्रा तो आप जाइए जवाबदेही आंदोलन फेसबुक पेज पे जाइए, आपको हर एक अपडेट वहाँ से मिल जाएगी और हमारा चैनल आपको सारी जानकारी देता रहेगा, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। नवरत्न जी जाने के बाद आपको रामकरण जी ये सारी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 16 दिन घर को छोड़े को हो गया है और 16 दिन के बाद जाने वाले और फिर दोबारा जुड़ने वाले हैं। दोबारा कहाँ से जुड़ेंगे? झालावाड़ से। तो दोबारा फिर जुड़ने वाले हैं तो फिर आपका एक बार फिर स्वागत होगा, तब तक रामकरण जी सारी रिपोर्टिंग आपको देंगे। मैं आपके साथ में बना हुआ हूँ और घर बैठे हमारे नवरत्न जी घर बैठे भी देख सकते हैं और आप भी देख रहे हैं मित्रों। तो इस जवाबदेही आंदोलन का हिस्सा बनिए, फेसबुक पे जाइए, जवाबदेही आंदोलन लिखिए, उस पेज को फॉलोअप कीजिए और उस पेज के अंदर आपको हर एक अपडेट मिलेगी, यात्रा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और नंबर जो है ना, मिस कॉल नंबर है, उस मिस कॉल उस पे देंगे तो उस पे भी सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जो मिस कॉल है वो 76690 74642, उस पर आप मिस कॉल देंगे तो यात्रा का पूरा अपडेट आपको उस पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद।